नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। आज तक हम शिव के पुत्रों को गणपति और कार्तिकेय के रूप में देखते आ रहे हैं, उनसे जुड़ी कई कथाएं भी हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम आपको शिव के जिस पुत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, ना तो वो गणपति है और ना ही कार्तिकेय, वो तो एक राक्षस है जिसका नाम है अंधक, जिसे खुद महादेव ने ही अपने हाथ से मार गिराया था। दरअसल पुराणों में शिव के एक और पुत्र का जिक्र मिलता है जिसे स्वयं शिव ने ही मार दिया था। कौन था ये पुत्र और क्यों शिव ने उसे मार दिया, आइए जानते हैं। पुराणों में दी गई कथा के अनुसार जब शिव और पार्वती काशी घूमने गए तो शिव काशी का शांत वातावरण, उसकी प्राकृतिक सुंदरता देखते रह गए कि तभी माता पार्वती ने हंसी ठिठोली करते हुए शिव की दोनों आंखें बंद कर दी। जैसे ही शिव की आंखें बंद हुई वैसे ही पूरी सृष्टि अंधकारमय हो गई, तबाही की कगार पर खड़ी हो गई। और तब शिव ने संसार में प्रकाश करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोल दी, और जब तीसरी आंख खुली तो संसार में इतनी रोशनी हो गई कि पूरी सृष्टि तो प्रकाशमान हो गई, लेकिन भयंकर गर्मी से पार्वती जी पसीना पसीना हो गई। और तब माता के दिव्य पसीने की बूंदें पृथ्वी पर पड़ी तो उससे एक बालक की उत्पत्ति हुई जो दिखने में दैत्य के समान भयानक मुख वाला था, जिसे शिवजी ने अंधकार में होने की वजह से अंधक नाम दिया। लेकिन कुछ वर्ष बाद असुरराज हिरण्याक्ष ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिवजी की तपस्या की तो वरदान के रूप में भगवान शिव ने अंधक को असुरराज हिरण्याक्ष को पुत्र रूप में दे दिया। तभी से बालक अंधक दैत्यों के बीच ही पला और बड़ा होकर वो असुरों का राजा बना। लेकिन अंधक ये भूल चुका था कि वो शिव और पार्वती का पुत्र है। उसे याद था तो ये कि वो दैत्यों का सबसे बड़ा राजा है जो बेहद बलवान है, लेकिन मौत का भय अंधक में भी बहुत ज्यादा था। इसलिए उसने शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा, और हर असुर की तरह अंधक भी अमर होना चाहता था। लेकिन वो जानता था कि ब्रह्मा जी कभी उसे अमरता का वरदान नहीं देंगे। इस वजह से अंधक ने चालाकी दिखाई और ब्रह्मा जी से कहा कि उसकी मृत्यु उस दिन हो जब वो स्वयं अपनी माता को काम वासना की नजर से देखे। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे ये लगता रहा कि वो शिव का प्रसाद है और उसकी तो कोई जननी ही नहीं है। तो इस प्रकार से वो कभी अपनी माता को काम दृष्टि से नहीं देख सकता और ना ही उसकी मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार अपनी दृष्टि में वो अमर ही हो गया, जिसके बाद उसने स्वर्ग में आक्रमण कर दिया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, जिसके बाद उसकी इच्छा हुई कि विश्व की सबसे सुंदर स्त्री उसकी पत्नी बने। जब उसने सुना कि माता पार्वती ही तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर हैं, तो उसने उन्हें विवाह प्रस्ताव भेज दिया। विवाहित होते हुए भी विवाह प्रस्ताव मिलने से माता अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध से उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब अंधक स्वयं उनको विवाह के लिए मनाने कैलाश पहुंच गया और माता पार्वती को देखते ही कामनावश उनसे विवाह हट करने लगा। जब माता नहीं मानी तो वो जबरदस्ती उनका अपहरण करने लगा। इससे क्रोधित होकर माँ पार्वती ने महादेव को पुकारा और तब शिव ने प्रकट होकर अंधक का वध कर दिया।